जनपद अमरोहा में आज 1201 को वार्ड नंबर 2 नगर पालिका परिषद द्वारा डस्टबिन कूड़ेदान लगाए गए, जिसमें गीले कूड़े का प्रयोग किया जा सकता है और अमरोहा नगर पालिका द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर डस्टबिन कूड़ेदान रखवा दिए गए, जिससे शहर में स्वच्छता रखने में आसानी होगी। सभी वार्ड वासियों और नगर वासियों से अपील की है कि सभी लोग डस्टबिन का प्रयोग करें। डस्टबिन लगाने से शहर में स्वच्छता एवं सफाई का काफी असर पड़ेगा, जिससे प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान पर भी असर पड़ेगा और हमारा शहर भी सुंदर और साफ होगा। डेली इंडिया न्यूज के लिए अमरोहा से अजीम हुसैन की रिपोर्ट। स्वच्छता की तरफ हमारा बांट जाएगा। तो आपको लगता है कि ये डस्टबिन लगने के बाद में इसमें कूड़ा डाला जाएगा? हाँ भाई, उम्मीद तो यही है कि सारी पूरी दुनिया उम्मीद से कायम है, तो उम्मीद ये है कि हमारे मोहल्ले वासी जो है इसमें कूड़ा डालेंगे आसपास। आपके नगर पालिका कर्मचारी इसमें से कूड़ा निकालेंगे? हाँ, मैं पूरा प्रयास करूंगा, पूरा तरीके से लोगों को समझाऊंगा, अपने कर्मचारियों को, कि वो प्रतिदिन कूड़ा इकट्ठे होकर वो निकालेंगे। एक ही इसमें गीला कूड़ा के लिए, एक सूखा कूड़ा के लिए। अच्छा, क्या फायदा हो सकता है इससे? सूखा कूड़ा की जो बीमारियां हैं हम गंदगी से फैलती हैं, रास्ते में पैरों में लगकर हमारे घरों में चली जाती हैं, तो वो सड़क पर नहीं फैलेगा, वो कूड़े में ही रहेगा, उसमें कूड़ा डिब्बे में रहेगा और उसमें कहीं कोई बीमारी नहीं फैलेगी, कूड़ा इसमें रहेगा। इस पार्ट में आपने कितने डस्टबिन लगवा चुके हैं अब तक? ये हम तीसरा डस्टबिन लगवा रहे हैं, तीसरा। अच्छा, तीन लगवा चुके हैं। तो हमसे भाई यही है कि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करें जी। सरकारी संपत्ति है, सरकार ने पैसा खर्च कराया जनता के लिए, तो जनता उसमें यूज करें जी। धन्यवाद।